सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। राहुल गांधी को लगातार दूसरे दिन मिला यात्रा में प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा का साथ, ओंकारेश्वर की ओर बढ़ा कारवा। महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन कहीं नहीं जाने देंगे, कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर बोले सीएम शिंदे। शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले सत्ता की खातिर किसी से भी दोस्ती कर सकता है महागठबंधन। छब्बीस ग्यारह हमलों के दोषियों पर प्रतिबंध लगाने को रोका गया, यूएन में भारत ने कहा राजनीतिक कारण बाधा बने। असम मेघालय सीमा विवाद, जयंतिया हिल्स में स्पीति तनावपूर्ण भीड़ ने एक सिटी बस सहित 3 गाड़ियां चलाई। राज्यपाल के रूप में भेजा अमेजन पार्सल, वापस ले केंद्र, उद्धव बोले महाराष्ट्र में यह पार्सल नहीं चाहते। आरजेडी कार्यालय में फिर चलेगा जगदानंद का अनुशासन, लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद दूर हुई नाराजगी। स्वास्थ्य विभाग को लेकर विजय सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा डॉक्टर को दी गई है 2-2 प्रमुख पद की जिम्मेदारी। विजय सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना, राहुल गांधी का आरएसएस पर तंज, बोले टंडिया मामा को अंग्रेजों ने फांसी चढ़ाया, आरएसएस ने उनकी मदद की। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए इतिहास को हमें फिर से लिखने से कोई रोक नहीं सकता। आपके सेक्रेटरी संदीप भारद्वाज ने किया सुसाइड, मौत की वजह साफ नहीं, एमसीडी चुनाव में टिकट ना मिलने से परेशान थे। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रात से धधक रही आग, 12 घंटे से काबू पाने में लगी फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां। डिप्टी सीएम सिसोदिया का आरोप, बोले बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रची है, मनोज तिवारी है इसमें शामिल। श्रद्धा हत्याकांड में लव जिहाद का भी एंगल, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया दावा। मिर्जापुर डीएम ने किसानों से दान में मांगा पराली, खेत में दो हो रही मित्र कीटों की मौत, मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है नष्ट। कानपुर में मुंह में सिगरेट और हाथ में देसी तमंचे से फायरिंग, शातिर चोर कारतूस का हवाई फायरिंग करते वीडियो वायरल। गोरखपुर में हाई प्रोफाइल दिख रही महिला ने चुराया नेकलेस, मास्क और ब्लैक गॉगल लगाकर पहुंची, साड़ी में छिपाया 10 लाख का हार। गाजियाबाद में अब 2 शिफ्ट में चलेंगे ऑटो, ट्रैफिक कम करने के लिए पुलिस का स्पेशल प्लान, नाइट शिफ्ट वालों को जल्द मिलेंगे रूट।
श्रावस्ती में सीडीओ ने विद्यालयों का किया निरीक्षण। सीडीओ ने बच्चों से पूछे प्रश्न हल, हिंदी और गणित के प्रश्न भी करवाए हल। खुले में कूड़ा फेंकने पर 1 लाख तक का जुर्माना। वाराणसी का नगर निगम दुकानदारों पर करेगा सख्ती, एक्शन प्लान बना। आग लगने से लाखों की संपत्ति जल कर राख। बलरामपुर के हरैया में 8 घर जले, कारणों का नहीं पता चल सका, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। सीतापुर में 14 अभियुक्त, गैंगस्टर एक्ट में हुए निरुद्ध, केस दर्ज कर अपराध से अर्जित संपत्ति होगी अब जब्त। मेरठ में साइड मांगी तो कारोबारी ने लूटे 60,000 रुपए, सरेराह की घटना, 3 युवकों ने किया हमला। भदोही में खाद की कमी से किसानों की बड़ी मुश्किलें, समितियों पर किसानों की जुट रही भारी भीड़। मेरठ के होटल में परोसी दिल्ली की शराब, बिग व्हाइट होटल के मैनेजर, पार्टी ऑर्गेनाइजर पर केस दर्ज। कन्नौज में हत्या करने वाले दे रहे मुकदमा वापस लेने की धमकी, पुलिस की निष्क्रियता से खुलेआम घूम रहे आरोपी। बरेली की भूमाफियाओं की तलाश में दिल्ली में दबे अलायंस ग्रुप के निर्देशक समेत 7 माफिया के वारंट होने के बाद पुलिस की 10 टीमें लगाई। चंदौली में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, 30,000 नकदी और लाखों के आभूषण लेकर हुए फरार। लखीमपुर के धौरहरा में धर्मांतरण कराए जाने का मामला, विरोध में विहिप ने एसडीएम को शिकायती पत्र लिखा। प्रयागराज में डिवाइस के जरिए बस यात्रियों की होगी गिनती, परिवहन निगम की बसों में प्रवेश करते ही होगी ऑटोमेटिक गिनती। चंदौली में पराली जलाने वालों की खैर नहीं, निगरानी के लिए टीम का गठन, पराली जलाया तो देना होगा भारी भरकम जुर्माना। कानपुर में डेंगू का हमला जारी, डेंगू की संक्रमण दर 14.43% तक पहुंची, 27 मरीज अस्पतालों में भर्ती। बरेली में सड़क हादसे में युवक की मौत, भावमोरा के पास ट्रक ने मारी थी टाटा मैजिक में टक्कर, अस्पताल में चालक की हुई मौत। सोनभद्र में तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, वन्य जीवों के खाल की करते थे तस्करी, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। ललितपुर में खदान में मिला महिला का शव, घर से बाहर खेत की तरफ गई थी, पानी लेते समय गिरने की आशंका जताई। बलिया में ट्रेन में चढ़ते समय युवती का पैर फिसला, हादसे में पैर कटा, मध्य प्रदेश को जाने वाली ट्रेन में चढ़ रही थी। रायबरेली में सड़क हादसा, लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हालत गंभीर। कानपुर देहात में डीएम ने जारी किया फरमान, ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाई गई तो लेखपाल जिम्मेदार, निलंबन की भी हो सकती है कार्रवाई। मिर्जापुर में हॉस्पिटल और लॉन में पकड़ी गई बिजली चोरी, विद्युत विभाग ने रात में चलाया अभियान, विभाग ने दर्ज कराया मुकदमा।
अमेठी में तैनात अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई, डॉक्टर संजीव सिंह ने की थी फायरिंग। कुशीनगर में हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, अभियुक्त के पास से देशी तमंचा भी बरामद। लखनऊ में गौतम बुद्ध पार्क के सामने शराबियों के बीच जमकर मारपीट, बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी की भी नहीं सुनी। सुल्तानपुर में जिला महिला अस्पताल में हंगामा, पहले जुड़वा बच्चों की हुई मौत, फिर मां ने तोड़ा दम, परिवार वालों ने काटा हंगामा। यूपीएसटीएफ को मिली सफलता, सरकारी अस्पतालों की दवाइयां बेचने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में कुख्यात सुनील राठी ने की बैरक में बेड की मांग, पूरी नहीं हुई तो कैदियों पर उतारा गुस्सा। उत्तराखंड के मंत्री धामी ने एक तीर में साधे कई निशाने, बोले नौकरशाही को साध का लक्ष्य की ओर बढ़ाएं कदम। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का बड़ा बयान, कहा पार्टी में घुसाए बीजेपी के स्पीलिंग सेल। उत्तराखंड के बूढ़ा केदार में ग्रामीणों ने देवता के साथ खेतों में लगाई दौड़, तीन दिवसीय गुरु कैलापीर मेला हुआ शुरू। उत्तराखंड में अमृत सरोवर की ब्रांडिंग से पर्यटक को लगेंगे पंख, सरोवर में पैडल वोट संचालित करने की तैयारी। उत्तराखंड में सुस्त पड़ा पश्चिमी विक्षोभ, दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है बर्फबारी। उत्तराखंड में भारतीय सैन्य अकेडमी में 10 दिसंबर को होगी पासिंग आउट परेड, जेंटलमैन कैडल बनेंगे सेना के अंग। उत्तराखंड में बसंतारा प्रकरण में अहम गवाह पुष्प के बयान दर्ज, भाजपा नेता का बेटा है मुख्य आरोपी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में श्रमिक की संदिग्ध हालात में मौत, हत्या की आशंका, शरीर पर है गंभीर चोट के निशान। उत्तराखंड में छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपित सिपाही का पिथौरागढ़ तबादला, काला टूंगी से हल्द्वानी आते समय किया था कांड। उत्तराखंड के न्याय सचिव बने नरेंद्र दत्त, हाईकोर्ट ने किया तबादला, चमोली के जिला जज भी बदले। उत्तराखंड में गंगा उत्सव शुरू, छात्राओं के माध्यम से आज चलेगा स्वच्छता अभियान। उत्तराखंड में तलाकशुदा पत्नी का कबूलनामा, प्रेमी के साथ मिलकर की मीट कारोबारी की हत्या, बेटे से जुड़ी थी वारदात की वजह। उत्तराखंड की राजधानी में दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड, कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्पीकर के आदेश को बताया सही। ऑस्ट्रेलियाई महिला के मर्डर केस में भारतीय गिरफ्तार, 2018 में हत्या कर भारत भाग आया राजविंदर पर 5 करोड़ का इनाम रखा था।
नेपाल में डेगुआ का सत्तारूढ़ गठबंधन बहुमत की ओर, अब तक घोषित 118 सीटों में 64 जीती। रूस यूक्रेन युद्ध की कीव का बड़ा दावा, कहा गोलाबारी में मारे गए 60 रूसी सैनिक, एक सप्ताह में दूसरी बड़ी कार्रवाई। ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, रेप का आरोप लगाने वाली महिला लेखक ने दायर किया नया मुकदमा। भारतीय यात्रियों के लिए यूएई ने किया नियम में बदलाव, पासपोर्ट पर सरनेम होना जरूरी, दोनों नाम नहीं तो होने पर मिलेगा वीजा। चीन के रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में आग, 10 की मौत, 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया, 4 दिन में दूसरी घटना। चीन में एक दिन में 31,000 कोरोना केस मिले, ये कोरोना काल में सबसे ज्यादा, 66 लाख की आबादी वाले 8 जिलों में लॉकडाउन। अनवर इब्राहिम बने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री, सोडोमी और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने हमला कर 60 लोगों का अपहरण किया, लोगों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। असीम मुनीर ने इमरान की पत्नी पर घूसखोरी का लगा था इल्जाम, पहले आईएसआई चीफ ऑफ सेना के प्रमुख बने। वापस आएंगे कंगना समेत अन्य के ट्विटर अकाउंट, मस्क ने सस्पेंड अकाउंट वापसी पर पोल किया था। किमी से ज्यादा रेंज वाली ई बाइक लॉन्च, अल्ट्रा वायलेट ऑटोमोटिव F77 में मिलेगी। रेलवे ने 16 महीनों में 177 कर्मचारी निकाले, हर 3 दिन में निकाला नॉन परफॉर्मर एम्प्लॉय। एप्पल के सबसे बड़े प्लांट में 20,000 नवनियुक्त कर्मियों ने काम बंद किया, उत्पादन प्रभावित। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री के पास मिली कोकीन और विस्की की 2 बोतल बरामद, कीमत 20 करोड़ रुपए। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती करने पर हो सकता है विचार, फेडरल रिजर्व की बैठक में मिले संकेत। डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत हुआ रुपया, अमेरिकी मुद्रा में 1% से अधिक की गिरावट। चीन की आईफोन फैक्ट्री में कर्मचारियों ने सैलरी को लेकर किया हिंसक प्रदर्शन, फॉक्सकॉन ने मांगी माफी। वॉरेन बफेट ने एक बार फिर गरीबों के लिए खोला खजाना, दान किए 6,125,00,000 रुपए। हर दिन 1282 करोड़ रुपए कमाती है एप्पल कंपनी, दूसरे पायदान पर रही माइक्रोसॉफ्ट। श्रेया मैयर ने न्यूजीलैंड की धरती पर बनाया खास रिकॉर्ड, एमएस धोनी को पीछे छोड़ा। T20 के बाद वनडे में भी फ्लॉप हुए ऋषभ पंत, पहले मैच नहीं चला बल्ला।
क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। दिनेश कार्तिक की इमोशनल वीडियो शेयर कर खुद दिए संकेत। सुंदर ने मचाई खलबली। भारत न्यूजीलैंड ओडीआई में आया भूचाल। अजीबोगरीब शॉट खेल गेंदबाज के उड़ाए होश। क्रिकेटर सौरभ तिवारी के 100 लिस्ट मैच पूरे। झारखंड बिहार के बने पहले खिलाड़ी। रोनाल्डो की टीम ने जीता रोमांचक मुकाबला। फर्स्ट हाफ सुन रही स्कोर लाइन। फीफा वर्ल्ड कप उरुग्वे साउथ कोरिया मैच ड्रॉ। पूरे मैच में एक भी गोल नहीं हुआ। दोनों को एक एक पॉइंट। फीफा वर्ल्ड कप में स्विट्जरलैंड ने कैमरून को हराया। ब्रिल ने जड़ा एक लौता गोल पर सेलिब्रेट नहीं किया। हरदीप सिंह और उमरान मलिक का सपना हुआ सच। वनडे में डेब्यू का मिला मौका। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश ने घोषित की टीम। शाकिब अल हसन की वापसी। इवेंट में गिरते गिरते बचे दीपिका कक्कड़। फैन ने की बचाने की कोशिश तो कहा डोंट टच मी। वीडियो देख भड़के यूजर्स। भेड़िया की स्पेशल स्क्रीनिंग। जानवी से लेकर शाहिद तक कई सेलेब्स हुए शामिल। खून से लथपथ दिखाई दिए रणबीर कपूर। एनिमल के सेट से वायरल हुई तस्वीर। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश। अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनका नाम आवाज फोटो का इस्तेमाल ना किया जाए। उर्वशी ने शेयर किया बॉस पार्टी गाने का बीटीएस वीडियो। यूजर्स बोले काश ऋषभ फेक आईडी से आपका डांस देख रहे हो। ऋचा चड्ढा ने आर्मी का मजाक उड़ाया। अक्षय कुमार ने लगाई फटकार। सेना के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। एक्स वाइफ किरण राव के साथ दिखे आमिर खान। यूजर्स बोले ये क्या नौटंकी है, तलाक के बाद भी साथ घूम रहे हो। कांतारा के मेकर्स ने फिल्म से हटाया 12 रूपम गाना। ठेकुडम बैंड ने कहा इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। अमोल पालेकर ने किया भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट। बोले हमें लगा कि इसमें शामिल होना चाहिए। अनु कपूर से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। केवाईसी ठीक कराने के नाम पर लूटे थे लाखों रुपए। शतक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।